हेलो फ्रेंड्स, सो हम कंटिन्यू करेंगे आज जो लास्ट लेक्चर था एसिम्प्टोट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, कुछ एक एग्जांपल लेके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को लेके मैं आपको सिखाया था कि स्ट्रेट लाइन होता है ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे, जो कि इन्फिनिटी पे जो होता है, जो गिवन कर्व है उस पर क्या होता है, टेंजेंट होता है। एसिम्प्टोट्स को तो बेसिकली दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है तो या तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगा, उसको एक पार्ट में डिस्कस किए, और दूसरा ओब्लिक। ओब्लिक मतलब क्या, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। सो आज वो डिस्कस करेंगे हम लोग वो टॉपिक की जो है ओब्लिक या इंक्लाइंड जो एसिम्प्टोट्स है उनको कैसे निकालते हैं। तो अभी आपको बताया ओब्लिक मतलब क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का स्ट्रेट लाइन। ओब्लिक मतलब क्या, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, अगर आपको ग्राफ खींचना है, सो ये इस टाइप का स्ट्रेट लाइन होगा ना, और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y is equal to mx plus c टाइप का, ठीक है। सो हमें इस केस में क्या निकालना है, y is equal to mx plus c टाइप के वो सारे स्ट्रेट लाइंस जो कि क्या होंगे, एक गिवन कर्व के क्या होंगे, एसिम्प्टोट्स होंगे, या ऐसे बोलिए आप उस कर्व को इन्फिनिटी पे जो है टेंजेंट होंगे ये स्ट्रेट लाइंस। सो ऐसे स्ट्रेट लाइंस निकालना है। सो रूल है इस, ये बहुत सिंपल रूल है, चार स्टेप्स में ये निकालते हैं आप। अगर हमें इस टाइप का इक्वेशन निकालना y is equal to mx plus c, तो इसमें क्या क्या अननोन्स हैं, जो अननोन्स मतलब हमें क्या क्या निकालना चाहिए, m उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, और c क्या है वो जो y एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट। सो m और c दो वैल्यूज हमें निकालनी है। सो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने का तरीका है जो जिसको मैं बोल रहा हूँ रूल्स, वो रूल क्या है। सो चार स्टेप्स में निकालते हैं हम। सो ओब्लिक में कुछ करना नहीं आपको, ये y इक्वल टू mx plus c टाइप की स्ट्रेट लाइन में m और c, ये इन दोनों जो पैरामीटर्स हैं इनकी क्या है, वैल्यूज आपको निकालनी है। सो कैसे निकालेंगे, गिवन कर्व दिया होगा, उसके जो पहला स्टेप होगा, जो सबसे हाईएस्ट जो पावर या हाईएस्ट डिग्री टर्म्स होंगे ना वो एक्स वाई में, उनमें क्या करना है, जहां जहां एक्स है उसको वन से रिप्लेस करिए, और जहां जहां वाई है उसको क्या करिए आप, एम से रिप्लेस करिए। वही मैंने लिखा है कि एक्स बराबर वन और वाई इक्वल टू वन आप पुट करिए, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा उसमें। मैं मानता हूँ हाईएस्ट डिग्री टर्म एनथ है, तो वो जो x बराबर 1 और y इक्वल टू m रख रहे हैं आप, तो m में जो एक इक्वेशन आएगा उसी को मैं क्या नोटेशन दे रहा हूं, ये phi n m। इसका मतलब क्या हुआ, n मतलब डिग्री बता रहा है। मैं मान के चल रहा हूं कि जो इक्वेशन आप कर्व दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में, उसकी जो डिग्री है वो n है, हाईएस्ट डिग्री n है। सो nth डिग्री में वो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 आपने पुट किया, y इक्वल टू m पुट किया आपने, तो m में एक इक्वेशन आएगा, और m में इक्वेशन कितने पावर का होगा या कितने डिग्री का होगा, n डिग्री का, तो मैंने बोल दिया ये। अब इसको आपको क्या करना है, जीरो कर दीजिए, जीरो कर देंगे, एक इक्वेशन आएगा m में, उसको जीरो कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, वहां से एक m में एक पॉलीनोमियल आएगा nth डिग्री का, जिसको आप सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व कर लेंगे तो उसके रूट्स आएंगे। तो वही मैं लिखा हूं कि मान लो कि वो रूट्स जो है m1 m2 और m3 आ गए। सो दैट मींस क्या हुआ कि अगर ये m रूट्स आ रहे हैं तो ये क्या बता रहे हैं, m जो एसिम्प्टोट्स होंगे उनके स्लोप्स, यहां पे अगर आप रखेंगे तो m1 m2 रखेंगे ना, तो n जो एसिम्प्टोट्स हैं उनके क्या हो जाएंगे, ये स्लोप्स बता दिए। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप तो निकाल लिया आपने, अब क्या निकालना है, ये c ना y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप करिए क्या, सबसे हाईएस्ट वाला कर दिया n हो गया, अब उससे छोटा डिग्री टर्म क्या होगा इक्वेशन में, n-1। फॉर एग्जांपल मानिए एक कर्व दिया हुआ है, उसका इक्वेशन मान लीजिए 3 है, मतलब उसकी डिग्री जो है 3 है, अब 3 से छोटी क्या होगी, 2 ना, तो सेकेंड डिग्री, तो वही लिख रहा है कि जो n-1 उससे छोटी, अब n से जो छोटी होगी n-1, तो n-1 डिग्री के जितने टर्म्स है वहां पे x इक्वल टू 1 रखिए और y इक्वल टू m रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, m में एक इक्वेशन आएगा n-1 डिग्री का, उसका मैं नोटेशन दे दिया ये phi nm, ठीक है। अब क्या करिए, इतना लिखने निकाल लेने के बाद अब c की वैल्यू आती है, c कैसे निकालते हैं आप, तो c का एक स्ट्रेट फार्मूला है, इस फार्मूला में रखना है c इक्वल टू क्या है, माइनस साइन के साथ phi n माइनस m, ठीक है ना, phi n माइनस 1 m, तो जो यहां से आपने निकाला है, पहले n निकाला, फिर जो एक डिग्री कम वाले में पुट किया x बराबर 1 और y इक्वल टू m, वो अपॉन जो nth डिग्री में जो इक्वेशन आया है ना, nth डिग्री का m में इक्वेशन, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, phi डैश लिखा हुआ है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दिया आपने, अब m बराबर मान लीजिए m1 रख दिया यहां पे, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, m में एक्सप्रेशन होगा
m1 रख दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, यहां से c की वैल्यू आ जाएगी, उसको मैं क्या बोल दिया, c1। सिमिलरली इसी एक्सप्रेशन में m2 रख दिया आपने, तो क्या आ जाएगा, c2। इस तरीके से m3 रख दिया, तो क्या आ जाएगा, c3। तो अलग अलग m1 m2 m3 के करस्पॉन्डिंग c1 c2 c3 वैल्यूज आ गई। y = mx + c इसमें रख दीजिए, m1 यहां पे, c1 एक एसिम्प्टोट, m2 c2 दूसरा एसिम्प्टोट, इस तरह से सारे एसिम्प्टोट्स निकल जाएंगे। लेकिन स्टेप 3 में बस ध्यान देने की बात यह है कि ये जो फार्मूला मैं मान रहा हूं, वो फार्मूला मान ये रहा हूं, ये जो जितने रूट्स आ रहे हैं ना m1 m2 m3, ये सब क्या है, डिस्टिंक्ट है, रियल और डिस्टिंक्ट है। अब ऐसा भी तो होता है, हम जब सॉल्व करते हैं रियल केस में, रियल रूट्स आए, वो दो रूट्स आपस में इक्वल हो जाए, दो रूट्स आपस में इक्वल हो जाए, तो वहां पे क्या होगा, तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। ऐसे केसेस में जब दोनों रूट सेम हो जाए तो वहां पे ये फार्मूला लग जाएगा। उसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये फार्मूला, ये आपको याद करना होगा, बहुत इजी फार्मूला है, बहुत इजी फार्मूला है। क्या है, जब दो रूट्स इक्वल आ जा रहे हैं तो c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई n, यहां से निकाला आपने, दो बार उसको डिफरेंशिएट करिए, प्लस c इनटू फाई n माइनस 1, यहां से जो निकाला आपने उसको एक बार डिफरेंशिएट करिए। फिर क्या करना है कि उससे एक डिग्री, मान लीजिए ये 3 था ये 2 होगा, तो 1 डिग्री के जितने टर्म होंगे ना, वहां पे x बराबर 1 रखिए, y बराबर m रखिए, इस फार्मूले में रख देंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, c में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा ना, c में क्वाड्रेटिक। अरे m बराबर, मान लीजिए क्या आया, दो रूट्स इक्वल है, m1 m2 बराबर 1, तो ये सारे एक्सप्रेशंस में क्या करेंगे, m बराबर 1 रख दिया आपने, तो ये कुछ टर्म आएगा ना, इस टाइप का एक इक्वेशन आ जाएगा, ये मान लीजिए इस टाइप का, ac स्क्वायर प्लस bc प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a b c नोन है, c में सॉल्व कर लिया, c की दो वैल्यूज आ जाएंगी, बस इसी इक्वेशन में रख दीजिए, स्लोप तो सेम होगा लेकिन c1 c2 अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी, सो यहां से जो है आप एसिम्प्टोट्स निकालेंगे। सो ये चीज बहुत ध्यान देने की बात है आपको, कैसे करना है आपको, सबसे पहले अगर ओब्लिक निकालना है तो मैं करूंगा क्या, जो सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म है वहां पे x बराबर 1, y बराबर क्या रखूंगा, m, तो वो मान लूंगा, एक जो एक्सप्रेशन आएगा m में उसको मैं 0 के बराबर करके m के लिए सॉल्व कर लूंगा, जो रूट्स आएंगे मैं मान के चल रहा हूं वो रूट्स क्या है, अलग अलग आ गए। फिर क्या करेंगे, n, अब n माइनस 1 डिग्री का जो टर्म होंगे वहां पे x बराबर 1, y बराबर m रखिए, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ गया c, इस फार्मूला में रख दीजिए, अगर रूट सारे अलग अलग आ रहे हैं इस फार्मूला में रखिए, यहां से c1 c2 c3 की वैल्यू आ जाएगी, y बराबर mx + c में वो वैल्यूज करस्पॉन्डिंग रख दीजिए, एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे। लेकिन कहीं पे भी अगर इन दोनों में अगर कोई, ये जो रूट्स आ रहे हैं इनमें से दो रूट्स अगर इक्वल हो जाते हैं तब वहां पे ये फार्मूला मत लगाइए, तब ये फार्मूला यूज करेंगे, वहां से c1 c2 की वैल्यू आ जाएंगी, स्लोप तो सेम होगा m1 बराबर m2, लेकिन यहां पे c1 c2 की वैल्यू हो सकता है अलग अलग आ जाए, सो वहां से अलग अलग एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अब न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो यहां पे दो एग्जांपल्स मैं लिखता हूं इन दोनों केसेस पे जो आपको डिस्कस किया हम लोगों ने। सो एग्जांपल होगा, फाइंड एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व, दो कर्व मैं लिख रहा हूं, नंबर वन वाई क्यू माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। एक ये कर्व दिया हुआ है, इसका एसिम्प्टोट्स निकालने हैं, और दूसरा जो कर्व होगा वह है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y माइनस 4x क्यूब माइनस x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन में मेरे ख्याल से यहां पे रूट्स आपको अलग अलग आने चाहिए, और यहां पे क्या होगा, एक या दो रूट्स जो होंगे वो सेम आएंगे। सो इन दोनों केसेस में आप ट्राई करिएगा, नहीं होगा सो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा आपको कि इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके आपको आपके पास सलूशन प्रोवाइड करूं। सो आई होप ये ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स कैसे निकालते हैं आप लोगों को समझ में आया। सो थैंक यू वेरी मच।